माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए होटेलाइट कंपनी का आयरन तवा। ये तवा मैं मार्केट गई थी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, तो ये तवा खरीद के लाई हूँ मैं। और इस तवे पे आप चाहे तो डोसा बना सकते हैं, चाहे तो रोटी बना सकते हैं। इसकी 1 ईयर की जो इसकी वारंटी है, तो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। होटेलाइट प्रीमियम आयरन तवा है, क्वालिटी एश्योर्ड है। तो ये देखिए, ये तवा जो है जो नॉनस्टिक है उससे द बेस्ट है डोसा बनाने के लिए। तो आप करते हैं टन टन आन, इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। तो इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से चाहे तो कैंची की सहायता से भी काट सकते हैं। इसको सीजर से काट रही हूँ मैं यहाँ से तरीके से। ये देखिए कितना भारी है ये। और इसमें आप ये करीबन 1000 तक का लगभग आयरन तवा है। और इस तवे का जो हैंडल है वो सबसे ज़्यादा भारी है। अब क्या जो नॉनस्टिक का ज़माना आ चुका है, तो नॉनस्टिक के ज़माने में तो ये देखिए, इस तवे को आप जब भी साफ करेंगे तो हमेशा ये नया का नया ही रहेगा। ये देखिए, ये जो तवा है, इसको जो आयरन तवा है, इसको सबसे पहले वॉश करें। वॉश करने के बाद में इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है। और वॉश करने के बाद में इस पर थोड़ी सी जो प्याज है वो कटिंग करके इसमें थोड़ी सी फ्राई करना है, और उस ओनियन को खाना नहीं है। अभी इस पर कोई चीज़ डोसा बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं जो। और जब भी आप यूज़ करें तवा, हमेशा भारी तवा ही यूज़ करें। तो अभी हमें फिर से है ना पुराने ज़माने में आना ही पड़ेगा। जो लोहे के जो तवे होते थे पुराने ज़माने में, जो हमारी मॉम्स वगैरह यूज़ में लेती थी, वो आज वो ज़माना चला गया। आजकल सब नॉनस्टिक पे आ गए हैं। लेकिन जो ये है आयरन तवा, इस तवे पे आप जब भी कभी डोसा बनाएंगे या रोटी बनाएंगे ना, तो कभी भी कच्ची नहीं रहेगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बोलते हैं ना, आजकल जितनी लेडीज़ को कैंसर वगैरह हो गया, जो नॉनस्टिक पे जितनी भी रेसिपी बनाते हैं ना, उनमें जो धुआं निकलता है और जो भी रेसिपी बनती है उससे वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये है, ये विनेगर आयरन शीट पे है, और ये जो असली जो लोहा है उससे बना हुआ है, जो लोहे को जैसे कि गला के बनाते उससे बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद है। रोटी पराठा और है ना डोसा, जो भी आप मन चाहे जब भी कभी बना सकते हैं। वो क्या, एक्चुअली में मेरा जो नॉनस्टिक जो तवा था, और जो पहले जो नॉनस्टिक तवा था उसका हैंडल टूट गया था, तो मुझे बहुत खास ज़रूरत थी इसको, तो मैं ये परचेज करके लेके आई हूँ। और आप अभी जाइए, अभी इसको खरीदिए। तो आप चाहे तो इसको ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से अमेजोन पे आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। और मैंने तो इसको मार्केट से मॉल से ख़रीदा है, तो आप जाइए ज़रूर खरीदिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में, बाय बाय। और मार्केट से मैं जो शॉपिंग करके लेके आई, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं ना जो ठेले वालों के पास या जो लोकल दुकानों पे मिलते हैं ना, जो नाइफ, वो सब नाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हल्के आते हैं। तो ये मुझे जो नाइफ की सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हर सब्जी को काटने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के, सबसे पहले जो इस धार वाला जो चाकू होता है वो ये सबसे बेस्ट होता है। जो शेफ वगैरह होते हैं ना, उन लोगों के पास अधिकतर ये चाकू मिल जाता है। तो एक ये नाइफ खरीद के लाई हूँ मैं। और ये जो देखिए, और इसकी प्राइस है करीबन 130, ये देखिए 130 रुपीज़ तक है इसकी प्राइस। और दूसरी इसकी भी सेम पीस है, ये भी सेम पीस है, सेकंड सेम पीस है। और ये होता है वेजिटेबल कटिंग के लिए अधिकतर। और ये है थोड़ा सा हल्का, लेकिन ये ग्रीपर में है। और इसकी खोल के, और ये देखिए, ये इस तरीके से ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी प्राइस है करीबन 105। और साथ ही साथ ये तो खास ज़रूरत है एक इसकी, और ये सब्जी हिलाने के लिए ओनली सिर्फ। और ये है जो हमारी
ग्रेवी वाली सब्जी होती है उनको हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो नॉन स्टिक के अंदर अगर आप स्टील का बर्तन चलाएंगे तो वो नॉन स्टिक हमेशा ख़राब हो जाती है। तो जब भी मेरे पास ये जो लकड़ी का स्ट्रेनर था वो नहीं था, इसलिए मैं ये परचेज करके लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो हो गया।